हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां नॉलेज क्रिएटिविटी हेयर पे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? देख ही रहे हो मेरा घर पे जो है एलोवेरा ट्री लगा हुआ है, देख ही रहे हो कितना बड़ा। मैं इसी से यूज़ करती हूँ जो भी फेस के लिए, हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा देखभाल करती हूँ, देख रहे हो। इसी से मैं एलोवेरा यूज़ करती हूँ स्किन के लिए और हेयर के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं एक एलोवेरा काट लूँगी जो मुझे ज़रूरत होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं काट लेते हैं। इसे काट लूँगी मैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, छोटा ही चाहिए। तो इसका मैं एक काट लूँगी, फिर दिखाती हूँ मैं इसका मैं क्या करूँगी नेक्स्ट। आपको पता ही लग गया होगा शायद के सोच रहे हो हेयर के ऊपर चाहे स्किन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, दिखाते हैं हम क्या करेंगे। मैंने काट लिया है, देख रहे हो। आप भी लगाओ अपने घर पे ऐसे ही एलोवेरा जेल, अच्छा होता है फेस के लिए, स्किन के लिए और हेयर के लिए। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पे लगाओ, देख रहे हो, घर में लगा लो तो आपका जो है हर रोज़ काम देगा। तो फ्रेंड्स, देख लो ये होता है। अगर किसी का घर में नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप मार्केट वाला यूज़ करो। मेरे घर में है तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। तो देखो मैंने काट लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ इस एलोवेरा का आपको बताती हूँ। तो चलिए मैं इस एलोवेरा को अब धो लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं धो लेते हैं। तो अच्छे से इसको वॉश करना है, अच्छे से धो लेना होगा, क्योंकि इसका जितना भी धूल मिट्टी है जो भी है वो सारे चले जाएंगे। अच्छे से धो लेना होगा, ठीक है। जितना भी इसमें जो भी स्मेल है, ठीक है, वो चला जाएगा, क्योंकि स्किन में जो है धूल मिट्टी वाला कुछ नहीं यूज़ करना। तो मैं भी हाथ धो लूँगी, जो मैं आज रेमेडी बनाऊँगी उसके लिए मैं अच्छे से हाथ भी वॉश कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका मैं जो क्या करूँगी चलिए दिखाते हैं। मैंने ये कर लिया है, धो लिया है। तो देख ही रहे हो मैं जो आज रेमेडी बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो फ्रेंड्स, आप पूरा लास्ट तक देखो। जैसे कि मैंने ये धो लिया, पहले आपको ऐसे करके दो हिस्से में काटना होगा। तो फ्रेंड्स, आप जब भी काटो ना बहुत ध्यान से काटना, क्योंकि हाथ भी कट सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये दो हिस्से पे काट, इसके लिए मुझे दूसरा एक प्लेट लगेगा, तो इसमें मैं रख लेती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, कितना अच्छा होता है एलोवेरा जेल स्किन के लिए। तो आपको ऐसे ही, आपको जैसे अच्छा लगता है, जैसे एलोवेरा जेल निकल जाए ऐसे करके निकालो, अच्छे से निकालना। तो फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हो, आप सोच रहे हो मैं एलोवेरा जेल किस पे आज ट्राई करूँगी, किस होने वाला है, क्या रेमेडी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, देखो आप लास्ट तक मेरी वीडियो देखो, आपको पता लग जाएगा मैं क्या करने वाली हूँ। एलोवेरा जेल, फ्रेश एलोवेरा जेल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे करके आप एलोवेरा जेल निकाल लो, जैसे कि मैं बता रही हूँ, अच्छे से निकाल लो। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट वाला यूज़ करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको घर में ही चाहिए एलोवेरा का ट्री। किसी के घर में अगर नहीं है तो क्या, आप मार्केट वाला यूज़ करो, जैसे नेचर का हुआ, जैसे पतंजलि का हुआ, आप यूज़ करो। तो फ्रेंड्स, मेरा घर पे ये फ्रेश एलोवेरा जेल है, तो मैं फ्रेश ही ट्राई कर रही हूँ। मैं कभी कभी मार्केट वाला भी यूज़ करती हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देखे हो। तो फ्रेंड्स, देखो ऐसे करके आप एलोवेरा पूरा निकाल लो। तो फ्रेंड्स, मैंने ये एलोवेरा जेल देखो निकाल लिया है, कितना अच्छा से ये एलोवेरा जेल देखो। हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन वो है ऊपर का जो स्किन है, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल है और केमिकल नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर ग्रीन भी रहता है तो कोई, ग्रीन जो इसका स्किन है ये अगर रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कोई साइड इफेक्ट वाला चीज़ नहीं है, तो रह भी जाता है तो कोई बात नहीं। तो मैंने ये अच्छे से एलोवेरा जेल निकाल लिया। तो फ्रेंड्स, देखो आज का जो रेमेडी है, हाँ फ्रेंड्स, आज का रेमेडी है हेयर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हेयर के ऊपर जो रेमेडी है एलोवेरा जेल के साथ, मैं और एक चीज़, सीक्रेट एक ट्रीटमेंट है जिसका हेयर जो है, मतलब जिसका हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है, फ्रीजीनेस है, बहुत ज़्यादा है, तो आप रात में यूज़ मत करो, जिसको बहुत ठंड लगने का, नहाने से एक घंटा लगाओ। तो फ्रेंड्स, ऐसे मेरा जेल गुडनेस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हेयर के लिए। तो ये आप हेयर पे ट्राई करो हफ्ते में 2 या 3 बार। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ आप फॉलो करो। फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा एलोवेरा जेल निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं ये वाला ग्लिसरीन 2 चम्मच यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, हाँ 2 चम्मच यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरा हेयर थोड़ा सा बड़ा है, तो ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो 1 चम्मच आप ग्लिसरीन 2 चम्मच यूज़ करो। तो फ्रेंड्स,
इससे आपका हेयर जो है शाइन होगा, ग्रोथ होगा और सिल्की होगा और फ्रिजीनेस भी चला जाएगा, ड्राई जिसका हेयर है वो भी चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे जो होता है आपका हेयर रेमेडी बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स हफ्ते में 2 या 3 बार लगाओ इसको, फिर अच्छे से इसको मिला लेना है, क्योंकि अच्छे से मिलाओ क्योंकि ग्लिसरीन और आपका जो एलोवेरा जेल है अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से मिक्स करो। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप क्या करोगे नेक्स्ट हम बताएंगे। फ्रेंड्स मैंने एलोवेरा जेल, चलिए फ्रेंड्स मैं दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स पहले इस टाइप का कॉम ले लेना है, ठीक है, इस टाइप का कंघी लेना है। उसके बाद अपने हेयर पे जितना भी टेंगल है वो एकदम सुलझा लो। तो फ्रेंड्स मैं अच्छे से कॉम कर लूँगी, जैसे कि आपका हेयर मास्क लगाते टाइम आपका हेयर पे ज़्यादा झड़ना, तो शैम्पू करते टाइम भी आपका हेयर झड़ना वो आपको बहुत ही अच्छे से नोटिस करना होगा। इसलिए फ्रेंड्स अच्छे से टेंगल को छुड़ा लो, क्योंकि हेयर में जितना टेंगल होगा आप हेयर में मास्क लगाते टाइम उतना हेयर आपका झड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको झड़ने ना दें, पहले अपने हेयर को अच्छे से कॉम कर लो। कॉम करने के बाद आप हेयर पे मास्क आप यूज़ करो अपने हेयर पे, पूरे हेयर पे। तो फ्रेंड्स कभी भी कुछ भी लगाओ हेयर पे, हेयर मास्क हो चाहे पैक हो, पहले अपने हेयर को कॉम कर लो। तो अच्छे से कॉम कर लेना है, कॉम कर लेने के बाद आपको हेयर में मास्क लगाना है। तो शैम्पू जब करोगे ना तब भी हेयर झड़ेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने अच्छे से अपना हेयर पूरा मैंने टेंगल को छुड़ा लिया, बहुत ही अच्छा। चलिए मैं अपने हेयर को हेयर पे मास्क लगा के दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं जो है इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लिया। तो मैं इसको क्या करूँगी अपने बेसिन पे रख लूँगी। रखने के बाद क्योंकि अगर मैं कहीं और रखूँगी ना तो वो नीचे गिर जाएंगे, तो मैं यहाँ पे खड़े होकर लगाऊँगी। तो चलो फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड्स पहले क्या करना होगा, अपने हेयर को 2 हिस्सों में बांट लेना है, ठीक है फ्रेंड्स, 2 हिस्से में बांट लेना है। फिर एक बन बना लो, क्योंकि बन बना लेंगे क्योंकि एक साइड का हो जाएगा फिर दूसरा साइड में मैं हेयर में लगाऊंगी। तो मैं ये वाला बन कर दिया, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स, इधर से स्टार्ट करूँगी। पहले कभी भी आप हेयर पे मास्क यूज़ करो तो 2 हिस्से में आप कर लो हेयर जो है। मैं अच्छे से बन बना लेती हूँ, ये ज़्यादा लूज हो गया क्योंकि खुल सकता है तो मुझे डिस्टर्ब करेगा ये वाला बन, तो मैं अच्छे से बन बना लेती हूँ, ठीक है। आप भी अपने हेयर पे ऐसे ही एक बन बना लो, उसके बाद आप ये वाला मास्क यूज़ करो। तो फ्रेंड्स मैंने ये ऐसा बना लिया है, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं पूरा स्कैल्प पे ऐसा करके लगाऊंगी, पूरा स्कैल्प पे लगाना है। तो ये ज़्यादा वैसा है थोड़ा सा, तो उसको सही से लगाना होगा। तो हेयर पे ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल जो है अच्छे से लगा लिया है। तो अच्छे से देखो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हो मैंने अच्छे से पूरे हेयर पे लगा ली हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसे ही अपने पूरे हेयर पे ये वाला ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल का ट्रीटमेंट का काम करता है। तो आप फ्रेंड्स अपने घर पे ही अपने पूरे हेयर पे ट्राई करो, जैसे कि मैंने किया है। तो देखो फ्रेंड्स मैं अपने पूरे हेयर पे लगा ली हूँ, देखो फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अब क्या करना होगा, एलोवेरा और ग्लिसरीन का जो मिक्स मैंने जो मैं हेयर को ऐसे नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आप ऐसा ऐसा लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, कभी भी ऐसे रब मत करना। रब करने से क्या होगा, एक दूसरे पे जो बाल जो है रब होता है तभी बाल जो फटने लगता है। तो फ्रेंड्स ऐसा कभी भी मत करना, ऐसा कभी भी मत करना, ऐसा डैब 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 करके लगाओ। तो फ्रेंड्स तो इसको 2 मिनट या 5 मिनट मसाज करना है इसके हेल्प से, ऐसे ऐसे ना कि ऐसे ऐसे। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। अच्छे से स्कैल्प पे मसाज देना होगा ताकि ये वाला जो हेयर मास्क है पूरे हेयर पे अच्छे से लग जाए फ्रेंड्स, अच्छे से स्कैल्प पे, ताकि हमारा हेयर जो है ऐसे एक बन बना लो। तो फ्रेंड्स अभी बाल थोड़ा सा वैसा मास्क के वजह से वैसा हुआ रखा है, तो अच्छा सा एक बन बना लो ताकि आपका हेयर जो है ऐसे बन बना लो। देखिएगा इसके हेल्प से स्केचर के नीचे बन बना लो। फ्रेंड्स ये वाला मास्क आप घर पे ट्राई करो, देखना आपका हेयर में जितना ड्राई है फ्रिजीनेस है वो चले जाएगा। आप देख लो मेरा हेयर पूरा अच्छे से लग चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो। फ्रेंड्स और एक बार बोलूँगी, आप ये वाला रेमेडी घर पे ट्राई करो, आपका हेयर में जितना भी प्रॉब्लम है, मैन वुमेन टीनेजर्स, ये वाला आप ये वाला हेयर पे मास्क यूज़ करो, जरूर घर पे ट्राई करो। तो फ्रेंड्स मैं क्या बोल रही हूँ, हफ्ते में 2 बार यूज़ करो, ठंड के मौसम में 1 बार करो कोई बात नहीं है, रात में कभी भी यूज़ मत करना। तो फ्रेंड्स हफ्ते में 2 बार लगाओ, नहाने से पहले 1 घंटा पहले लगा लो, उसके बाद आप कोई भी अपना पसंदीदा शैम्पू से शैम्पू कर लो।
अब फ्रेंड्स आप बताना मेरा ये वाला एलोवेरा जेल ग्लिसरीन जो मास्क में यूज किया है आप घर में ट्राई करो आपका हेयर में कैसा काम किया है तो जरूर मुझे कमेंट में बताना। और भी कोई आपका डाउट है जो भी कुछ क्वेश्चन है जरूर मुझे कमेंट में बताना। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स। और भी अच्छे अच्छे रेमेडी पाने के लिए जरूर मेरा वीडियो आप फॉलो करो, मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स।